लक्ष्मीनारायण मंदिर के निर्माण को लेकर खड़े हुए बखेड़े के बीच इस मंदिर संस्था से जुड़े महंत श्यामपुरी ने स्वयं को मंदिर का इकलौता वारिस करार दिया है। मौजूदा महंत बैजनाथपुरी पर श्यामपुरी ने दुकानदारों से पैसा लेने और मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप भी चस्पा किया है। इससे पहले ये बाबा महंत की शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंच चुके हैं। एक बार फिर श्यामपुरी बाबा ने महंत को मंदिर से खदेड़े जाने की मांग उठाई। उत्तराधिकारी का भी बचे पूरे सिस्टम में दिया, मर गए सब सिस्टम आगे बचे जिंदा। हमारी समस्या ये है, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है हमारा गुरु स्थान है, इसलिए वहाँ जो बैद्यनाथपुरी बाबा वर्तमान में बैठा हुआ है, वो वहाँ समाधि तोड़ना, पेड़ कटवाना, दोबारा से लोगों से मनमाने पैसे वसूल करके दुकानदारों से अपनी दादागिरी गुंडागर्दी कर रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये गुरु महाराज की संपत्ति है, उन्होंने ट्रस्ट बनाया था, आप ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासन के माध्यम से उसका संचालन हो तो अधिक बेहतर रहेगा। आप ही हैं उसके संचालक? मैं मदनपुरी जी का आखिरी वारिस उत्तराधिकारी हूँ, आप कोई नहीं है। अच्छा, तो इसमें कल प्रशासन ने जो सामान उतरवाया है गिट्टी, बहुत अच्छा किया, मुझे प्रसन्नता हुई, समझे कि नहीं, बहुत अच्छा किया। तो काम तो कलेक्टर साहब द्वारा रुकवाया जा रहा है ना? हाँ। तो इसमें आगे आप क्या कर रहे हैं? आगे अब शासन ही जो कुछ कर रहे हैं, वो वैसे केस लगा दिया अदालत में,